प्रेस द लॉर्ड हाल लो यसु मसीह के बबरकत नाम में आप सबों को जो हमें इस वक्त फज़ल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं पास्टर विल्सन एजाज़ का बहुत बहुत सलाम और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर ख़ुदा उनके फ़ज़ल और उसकी बरकत को सरफराजी को जो है वो हासिल कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी स्परिचुल लाइफ को जो है वो इगनइट किया जाए आपको जोश से भरा जाए और आप फेथ के इस लेवल के ऊपर लाया जाए कि आप अपने मैटर्स को जब वो खुद जो है वो हैंडल कर सकें और ख़ुदा का नाम आपकी जिंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं वो सभी अपनी ज़िंदगी में से अपनी ख़दमत में से उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जो उनकी ज़िंदगी के अंदर मजबूती का बास बनी और किस तरह से खुदा ने उनकी ज़िंदगी के अंदर काम किया और आज वो उस तोड़े को टैलेंट को जो खुदा ने उन्हें बख्शा है किस तरह से खुदांद की बादशाहत की वसत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सभी बातें इसलिए आपके सामने रखी जाती हैं कि आप अपने आप को जो है वो सुनकर मजबूत करें और ईमान के ऊपर खड़े हों कि इफ़ गॉड कैन डू फॉर देम ही कैन डू फॉर मी टू सो तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी वो खुदा जो है वो काम करेगा और आपकी ज़िंदगी जो है वो खूब से खूब तर जो है वो होती चली जाएगी क्योंकि खुदा यही चाहता है कि जो कसरत की ज़िंदगी उसने हमें बख्शी है हम इस ज़मीन के ऊपर उस कसरत की ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी में उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते रहें सोआ नाजीन मैं आपको आपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सो ताकि हम उनकी ज़िंदगी में से उन बातों को सुन सकें जो खुदांद ने ख़ासज़ल उनकी ज़िंदियों के ऊपर किया है ताकि हम खुदा के फ़ज़ल और बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जब वो हासिल कर सकें जी हाँ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर शाहरुन सैम्बल साहब सो पाई साहब हम आपको वेलकम करते हैं हाँ। आज के प्रोग्राम के अंदर थैंक यू पादी साहब मैं शुक्र हूँ खुदांद का फ़जल टी वी का जिन्होंने मौका दिया कि हम अंजील के पैगाम को आप तक पहुँचा सकें लॉर्ड हालेलुया और नजरिन इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके पास बरकत साहब सो भाई साहब हम आपको भी वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में अमीन खुदाबंद का शुक्र हो आज सुबह के लिए और खादमों की रफ़ाकत के लिए फ़जल टी वी के लिए और यहाँ की इंतज़ामिया के लिए हम शुक्र गुज़ार हैं थैंक यू वेरी मच Hallelujah. इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, खुदा उनके खादम पास भाई साहब आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में थैंक यू वेरी मच जी खुद को बड़ी बरकत दे। और खुदा अंदा आपके साथ हो मैं दिल की था ग्राहियों से इस बात की खुदा का शकर अदा करता हूँ कि खुदा ने मुमकिन किया कि आज, आज आपके साथ इस खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर हम शामिल हैं और हम दिल से पास्टर इमरान के लिए और इस फजल जीवी के लिए सही टीम के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं प्रेज द थे नाजरन इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं एल्डर शहजाद गिल साहब सो एल्डर साहब आपको भी वेलकम करते थे पास्टर साहब मैं खुदा का शुक्र गुज़ार हूँ जो अपने खादमों में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे लेकर आए और मैं खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए यहाँ आया हूँ मैं खुदा उनका शुक्र गुज़ार हूँ थैंक यू पाग साहब प्रेज़िला नाजिन यकिन आज भी आप जब हमारे मेहमानों की बातों को सुनेंगे तो खुदा उनके फ़जल को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करेंगे आई बिलीव यू गो नाट बी इग्नाइट बाई हयरिंग दैम तो आप सुनकर ख़ुदा उनके फज़ल और बरकत को जो वो हासिल करेंगे आएँ अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो शुरू करते हैं अपने सिरों को झुकाते हैं और मैं दरखास्त करूँगा अल शहजाद गिल साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में जो है वो हमारी रहनुमाई करें खुदा बाग खुदा बेटे खुदा रोल कुदस के नाम से नसीम सच्चे ज़िंदा बुजुर्ग आसमानी बाप मैं इस हाजिर जमात के साथ तेरे खादमों के साथ मिलकर इस चैनल के लिए खुदावन तेरा शुक्र गुज़ार हूँ जो इस चैनल ने बाप बापमानी घर घर में जील फैलाने के लिए काम किए हैं ये जो वर्किंग कर रहे हैं बाप तेरा खूबसूरत प्यारा हाथ इन खादमों पर फजल चैनल पर हो और जितने इस टीम में बाप बापमानी काम कर रहे हैं इन सब पर तेरी ब्लैसिंग चाहता हूँ बाप आज सुबह का ये जो प्रोग्राम है इस सारे टाइम को तेरे हाथ में देता हूँ तेरी तो रूह यहाँ जुमस करती तेरे खादमों पर हो सारे प्रोग्राम में तो हमारे साथ होना और अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करना तेरा नाम बुमारी को यस्ु के नाम से आमिर तो है हाँ मीन प्रेस हालिया बहुत शुक्रिया एल्डर साहब बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजन के लिए की है नाजन हमें हमेशा खुदांद के साथ जो है वो चलना है और अपनी सिचुएशंस को अपनी जो हमारे मामलात हैं उन्हें खुदावन की रहनुमाई के अंदर लेकर चल रहे हैं क्योंकि खुदावन ने हमें ये एबिलिटी दी है कि हम इन बातों को जो है वो हैंडल कर सके क्योंकि उसने हमें अपना इख्तियार बख्शा है उसने हमें अपनी विजडम बख्शी है उसने हमें अपना फ़ज़ल दिया है और फ़ज़ल से बढ़कर कुछ भी नहीं है जब आप उसकी ग्रेस के अंदर हैं फ़ज़ल के अंदर हैं तो फिर आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं क्योंकि खुदावन की हमत हमारी ज़िंदगी के अंदर है उसने हमें अपना नॉलेज अपनी हमत अपनी फजीलत जो है वो बख्शी है ताकि हम हर तरह के सरकमटैंस को अपनी था था जिंदगी के अंदर हैंडल कर सकें और खुदा के नाम को जब वो इज्जत और जलाल जो है वो दें ताकि खुदांद हमारी के अंदर फजल को बरकत को सलामती को कसरत से हमारी जिंदगी वो जाहिर करे और हम अपनी लाइफ में ग्रेजुल स्टेप बाई स्टेप ग्लोरी टू ग्लोरी तक जो है वह पहुंचे और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल जो है वो मिलता रहेनाजरी अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है स्टीव इमरान ने क्रिस इमरान ने और गापे सिस्टर्स ने दुनिया में यस्सुतरान नाम करेंगे आएं इस गीत को सुनें और बरकत को हासिल करें द लॉर्ड हाल नाजिन अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे स्टीव इमरान क्रिस इमरान और अगापे सिस्टर्स आपके सामने पेश कर रही थे और वो यही आपके सामने बयान कर रही थी कि दुनिया में यस्सु तेरा नाम करेंगे यस इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारी जिम्मेदारी है कि यस्सु ने जो अरशाद अजम हमें बख्शा है वी हैव टू शेयर विद एवरी वन हमें उसे दूसरों के सामने लेकर जाना है बयान करना है यस्सु के नाम को ऊँचा करना है ताकि हर एक घुटना जिस ज़मीन के ऊपर है वो खुदा के सामने झुके और उसके नाम को इज्जत और जलाल जो है वो मिलता रहे और खुदावंद अपने फजल को कसरत से हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करें हमेशा इस मैंडेट को अपनी जिंदगी के अंदर लें कि इट्स आर रिस्पांसबिलिटी टू शेयर द गॉस्पल विद दी वन हमें खुदावंद की खुशखबरी को हर एक के साथ शेयर करना है उन्हें बताना है कि यस्ु ने मेरे लिए क्या किया है और यस्सु उनकी जिंदगी के अंदर क्या चाहता है जब हम एक दूसरे के साथ गॉस्पल को खुशखबरी को शेयर करेंगे तो हम बहुतों को मसीह को बत के अंदर लाने वाले होंगे और मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो हमेशा हमारी जिंदगियों में से मिलता रहेगा सो so, आई नाजीन अभी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले हम बात करेंगे खुदा उनके खादम पास्टर सैमअल बरकत साहब से सो so, भाई साहब हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बरकत तोड़ा खुदावन ने आपको बख्शा खिदमत के ताल्लुक से यहाँ अगर कोई ऐसी गवाही आप शेयर करना चाहते हैं तो जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं उनसे बात करें खुदा बाप खुदा बिटे खुदा के नाम में आमीन मैं खुदावन का शक्र गुजार हूँ मैं अपना तारफ़ पहले करा दूँ जी पादी साम्यल बरकत मेरा नाम है और मैं डाइशस ऑफ लाहौर चर्च ऑफ पाकिस्तान का प्रीस्ट हूँ वाल्टन में सेंट जॉन्स चर्च का मैं विक्र इंचार्ज हूँ और वहीं पर मेरी ख़िदमत है मैं खुदा का शुक्र गुज़ार हूँ कि उसने मुझे चुना है और बाइबल मुकदस में हमें बहुत सारे खूबसूरत किरदार मिलते हैं और उन किरदारों में चार किरदार किरदार सारी बाइबल के खूबसूरत हैं लेकिन चार किरदार मेरी ज़िंदगी को बड़ा मुतासर करते हैं पुराने याद में खुदा का बंदा मूसा और उसके साथ हजरत दाऊद ये दो किरदार किरदारुराने के बड़े मोतबर किरदार हैं उसके बाद नया एतनामा शुरू होता है वहाँ पर पत्रस की खदमत और पालोसलसल की खदमत बड़ी आउटस्टैंडिंग है और पत्रस का जब हम उस शख्स को अजीम शख्स को देखते हैं कि किस तरह वो खुदावन के पास आता है और फिर किन हालात से गुज़रता है और ये शख्स नशेबो फराज की दुनिया में एक खूबसूरत मिसाल है और मसीह दुनिया के लिए ख़ास तौर पर आप देखिए कि यीशु के साथ कैसे कैसे उसके साथ रह कर उसने कैसे कैसे तजर्बा हासिल किए ये मेरी ज़िंदगी को और आपकी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं और मज़बूत करते हैं इस शख्स को आप देखें कि किस तरह वो उन हालात में भी रहा जहाँ शायद उसे और तरह होना चाहिए था लेकिन मैं और आप भी कई बार इन नशेब अफराज में से जब गुज़रते हैं तो अक्सर हम बाइबल मुकदस के उन वाकयात को पढ़ते हैं जहाँ खुदावंद का बंदा पतरस मेरी और आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा मतहरक करने की तरफ ज़ोर देता है देखिए अभी खुदा यसमुसी आसमान पर गए हैं और वहाँ हम देखते हैं कि पत्रस शागिर्दों को कहता है कि आवशिकार को चलें और शगिरद भी साथ तैयार हो जाते हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक सौ तिरपन मछली बड़ी मछलियों का ज़िक्र हमें मिलता है और खुदाम यसुमुसी कहते हैं वो एक सौ तिरपन बड़ी मछलियाँ जो तुमने अभी पकड़ी हैं वो कहाँ हैं हम कई बार खिदमत के हवाले से काम के हवाले से और खुदांद के काम में हिस्सा डालने के हवाले से कई बार शायद पीछे पीछे होते हैं लेकिन खुदांद को ये पता है कि हमारे पास क्या है हमारे पास कितनी कितना रुपया पैसा है जिसका हिस्सा मेरे खुदांद के काम के लिए चाहिए हम फिर भी कई बार गोल मोल बातें करते हैं लेकिन खुदांद को एग्जैक्ट पता है कि बड़ी मछलियाँ कितनी हैं छोटी मछलियाँ कितनी हैं ये खुदाउंद को पता है और खुदांद बाकायदा तौर पर उसके साथ बात करते हुए पत्रस के साथ बात करते फिर इसी हवाले में जो योहाना की अंजील के आखिरी पैरों में है वहीं पर बात करते हुए आगे जब हम जाते हैं तो ये शख्स कहता है कि सु के साथ बातें करते हुए यसुस को कहते हैं कि तू बूढ़ा होगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ लेकर जाएंगे कोई शख्स तेरी कमर बांधेगा और हम देखते हैं कि ये शख्स फिर रसूलों के माल में हम चले जाते हैं वहाँ पर वो उसे गिरफ़्तार करते हैं और कैद में डाल देते हैं और वो कहते हैं कि जी सुबह इस शख्स को कत्ल कर देंगे लेकिन वो शख्स जो पथरस है उसके जहन में ये बात है कि खुदाम ने कहा था तू बूढ़ा होगा और तू अपने हाथ लंबे करेगा कोई तेरे कमर बांधेगा तो यहाँ तो उसने कपड़े खुद बदले हैं कैद में और वो जानता है कि दुनिया की बातें और हैं खुदामंद की बातें और हैं जब यसुनासी ने मुझे कहा है और उसका वादा कोई गलत नहीं हो सकता तो वो बड़े इतमान में सोता है अजीजों अगर आप गौर करें जब किसी शख्स को ये कहा जाए कि सुबह तेरा ये रात तेरी आखिरी रात है तो वो किस तरह सो गया क्योंकि उससे पता है कि यसु उसे बता कर गए हैं यसु ने उसे बताया था तो बूढ़ा होगा और कोई तेरी कमर बांधेगा तो यहाँ वो देखता है कि वो सब कुछ कर सकता है और वहीं पर इस शख्स पर अजीब काम होता है वो सोया हुआ और उसे खुद नहीं पता कि ये क्या हुआ है वो वहाँ बयान करते हुए कहता है कि मैं समझा कि शायद ये ख्वाब है ये तो सचमुच है आज की दुनिया जिस दुनिया में हम रहते हैं ये दुनिया बड़ी फास्ट है ये दुनिया बड़ी फ़र्क तरीके से चल रही है लेकिन यहाँ पर भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है हमें खुदामंद का काम करना है और इस बात को सोचे बगैर कि हालात कैसे हैं वाक़ कैसे हैं हमने खुदामंद की गवाही को शेयर करना है और दूसरों तक पहुँचाना है हालात जैसे भी हों कठिन हालात में भी खुदांद के लोग काम करते रहे पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तान मेरा घर है हमारा घर है हमारे बच्चे यहाँ पर हैं और मैं तो इस बात को भी कहता हूँ कि हमारे बाप दादा की यहाँ कब्रें हैं ये मुल्क हमारा है और यहाँ पर कई बार आ, हालात सख्त होते हैं लेकिन उन सख्त हालात के साथ अगर आप पत्रस की ज़िंदगी को देखें तो वहाँ भी हालात बड़े सख्त थे क्या उन लोगों ने खदमत को छोड़ दिया नहीं जवाब आएगा कि वो करते रहे जहाँ तक मुमकिन है मैंने और आपने खुदाम ने अपने खादमों को अंजील थमाई है और इस अंजील को थाम कर हमने दूसरों तक इस गुड न्यूज़ को ले जाना है घबराना नहीं परेशान नहीं होना क्योंकि खुदांद हमारे साथ है उसका नाम इमेन है जिसका तर्जमा यह है खुदा हमारे साथ वो आज भी हमारे साथ है हालात जैसे भी हों हमें खुदावंद का काम करना है पतस की तरह बाकी शागिर्दों की तरह कोई बात नहीं हालात इसी तरह रहे लेकिन उन हालात में भी खुदावंद उन्हें इस्तेमाल करता रहा और खुदावंद ने उनको कभी छोड़ा भी नहीं हमारे मुझे और आपको हौसला मिलता है कलाम की इन खूबसूरत आयात से इन बातों से इन वाकियात से कि हमें का काम करना है और ज़रूर खुदांद हमारे साथ है और उनकी खदमत को खुदा ने फलदार भी बनाया उसके वसीला से बहुत सारी कलिसियाएँ बनी शागिर्द मजबूत हुए और खुदांद क्या कर गए थे पत्रस तो इनको मजबूत करना और वाकई मजबूत और आज भी पत्रस की खदमत जो है वो मेरे पास होनी चाहिए खादमों के पास होनी चाहिए ताकि हम कलिसिया को मजबूत करें और उन्हें बताएं कि हालात जैसे मर्जी हों खुदावंद का काम हमें करना है और दलेरी के साथ करना है थैंक यू वेरी मच और हाल बहुत शुक्रिया पाई साहब और बड़ी ख़ूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के सामने जो है वो पेश की हैं और ख़ास तौर पर बाइबल में से इन करेक्टर्स को मोज़ और द डेविड के ताल्लुक से और फिर पत्रस के ताल्लुक से कि उनकी लाइफ कैसी थी और किस तरह से खूबसूरत रूहानी ज़िंदगी और ख़दमत करने वाली ज़िंदगी उन्होंने खुदा उनकी हज़ूरी में पेश की उनके ज़िंदगी के अंदर सिर्फ यही था कि वो वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर फोकस करते थे वो खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अवलियत देते थे मेरे अजीज़ों आप भी किसी किस्म की भी ए, हालत के अंदर हैं सरकमटांस के अंदर हैं कंडीशन के अंदर हैं मेन चीज़ जो आपकी जिंदगी के अंदर है अगर आप खुदा के कलाम के ऊपर फोकस करते हैं लोगों पर फोकस मत करें कि वो क्या कहते हैं जस्ट से अपनी जिंदगी के अंदर उन बातों को लें जो कलाम आपके सामने बयान कर रहा है और जैसा ही आप कलाम के ऊपर तोज्जो करना शुरू करेंगे कलाम हमेशा कुछ ना कुछ तख्लीक करता है बनाता है चेंज करता है वो आपकी सिचुएशन को चेंज करेगा वो आपके अंदर कुछ ना कुछ बनाएगा तक लीक करेगा और आप अपनी जिंदगी के अंदर फिर से नए तजर्बे को जो है वह रूहानी तजर्बे को जब वो हासिल करेंगे और जो भी आपकी ज़रूरत है अगर आप बीमार हैं परेशान हैं कमजोरी के अंदर हैं लैक ऑफ फाइनंस के अंदर हैं तो खुदावंद आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है जस्ट फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड और अपने आप को उसके सरेंडर करें ताकि खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो काम करें और आप बरकत को जो है वो हासिल करें नाजरीन अभी हम बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे और भी मेहमान मौजूद हैं हम बात करें खुदा के आप भी अपने करना चाहते हैं तो अभी वक्त है कि आप उनसे बात करें खुदा का शुक्र गुजार हूँ कि खुदा मुझे यहाँ प्लेटफार्म पर लेकर आया अपने खादमों में रखा और मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान में सेंट जॉन चर्च में से काम करता हूँ और मैं जो ये खिदमा कर रहा हूँ ये मेरी खानदान के साथ जुड़ी हुई है जिस तरह खुदा के वादे हैं कि वो नसल द नसल बरकतें देता है मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं आप सब के लिए मेरी ये गवाही है कि मैं खुदा का शक्र गुज़ार हूँ मेरा ख़ानदान ऐसी फैमिली में है जो मसीह के साथ जुड़ी हुई है हम पूरे खानदान पूरी ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं खुदा के घर में काम करते हैं मेरा दादा जो है वो बी एम गिल साहब वो भी एडर्स थे उसके बाद मेरे वाली साहब रियाज गिल वो भी एल्डर रहे हैं उसके बाद खुदावन ने मुझे मौका दिया और मैं सेंट जॉन चर्च में पास्टर हमारे जो बैठे हैं सीनियर पास्टर सैम्बल बर्कर साहब इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ चर्च में और खुदावन की खिदमत कर रहा हूँ खुदावन का शुक्र है इसी तरह मेरी सब नाजरन को भी मैसेज आए कि अब अपने खानदान के साथ इसी तरह जिस तरह खुदावन ने हमें इकट्ठा किया हुआ है हम भी खुदावन के घर में पूरी फैमिली के साथ जाएं खिदमत करें ईमानदारी के साथ खिदमत करते रहें और ब्लेसिंग पाएं अपने से की ब्लेसिंग पाएं ताकि हमारी पूरी फैमिली हमारी नस्ल भी आने वाली जो है खुदावन के घर में इसी तरह जो कर खुदा के काम करें मैं चर्च में जब भी जाता हूँ तो अपने पास्टर साहबान से आधा घंटा पहले जाता हूँ ताकि मैं पाशरा की तैयारी के लिए जो भी काम है वो ईमानदारी के साथ करूँ और टाइम के साथ करूँ इसी तरह मैं अपने सब नाजरीन को देखने वालों को एक बार फिर कहता हूँ कि आप सब अपने फैमिली के साथ जाएं, एक ही चर्च में जाएं, ताकि सारी फैमिली साथ खुदा के जोर में झुकेगी तो खुदा बरकत देगा और खुदावन अपने कामों में भी आपको इस्तेमाल करेगा थैंक यू सर रईज़त लिया बहुत शुक्रिया एल्डर साहब और बड़ी खूबसूरत बातें Thank हैं। हैं। आपने हमारे नाजरन के साथ की हैं नाजरन हमें हमेशा खुदांद के साथ जो है वह चल रहे हैं और जिस तरह एल्डर साहब बता रहे थे कि जो भी खिदमत उनके ख़ानदान के अंदर खुदावन ने रखी है उनके दादा से लेके उनके वाले और फिर अभी वो एल्डर की खिदत करें और ये बड़ी ख़ूबसूरत बात उन्होंने आपके साथ शेयर किया फ़ोकस करें अपने ख़ानदान के अंदर कि खुदा ने कौन सी बरकत को आपके ख़ानदान के अंदर रखा है खुदा ने एल्डर की खिदमत को एलडर साहब के खानदान के अंदर रखा ना सिर्फ उनके ग्रैंडफादर बल्कि उनके फादर और अभी खुद भी खुदांद उन्हें इस खिदमत के अंदर जो है वो इस्तेमाल करा और पूरे खानदान के साथ खुदा की हजूरी के अंदर जाएँ, खुदा की प्रस्तिश करें उसकी खिदमत करें फिर देखिएगा किस तरह खुदा आपके खानदान के अंदर अपने फजल को बरकत को सलामती को जो है वो जाहिर करता है और आपका ख़ानदान फिर दूसरे लोगों से दूसरे खानदानों से डिफरेंट जो है वो नज़र आएगा और खुदांद का ख़ास फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर होगा इसलिए हमेशा जो बरकत जो तोड़ा खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर रखा है उसके ऊपर फोकस करें मत दूसरों की खिदमत को देखें मत दूसरों की बरकत के ऊपर जो है वो अपनी निगाह को रखें अपने लिए खुदांद से जो है मांगें क्योंकि खुदावंद हम सब को इक्वली जो है वो प्यार करता है और वो चाहता है कि हम सब हर तरह की बरकत को नेमत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें ताकि उसके नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे सो नाजरीन अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगु का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा प्रेस दलॉर हाल लुआई वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर फजल को बरकत को और सलामती को जब वो हासिल कर रहे हैं और मैं ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी जॉइन जो है वो किया है ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे खुदा उनके खादम पास्ट बरकत ने बड़ी खूबसूरत बातें नाजरन हमारे ए, लोगों के लिए व्यूवर्स के लिए जब वो बयान की जब वो खुदा के ख़ात्मों के ताल्लुक से ख़ास पर्सनैलिटीज़ जो बाइबल के अंदर हैं मोजिज और डेवर्ड और फिर पीटर के ताल्लुक से वो बयान कर रहे थे किस तरह से खुदा का फजल उनकी ज़िंदगी के अंदर हुआ और किन बातों के ऊपर हमें जो है वो फोकस करना है ताकि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो और ज़्यादा बाबरकत जो है वो बन सके खुदा उनके खादम एल्डर शहज़ाद गिल साहब जो थे वो भी बयान कर रहे थे कि किस तरह से खुदा ने उनके ख़ानदान के अंदर इस बरकत को रखा कि वो एल्डर की खिदमत कर रहे हैं और ये ख़दमत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके जो है वो ग्रैंडफादर फिर फादर और अभी जनरेशन टू तो जनरेशन ये ख़िदत उनके ख़ानदान के अंदर चल रही है और ये बड़ी खूबसूरत बात है मैं सुनकर बहुत खुश हुआ कि किस तरह से खुदा उनके खानदान को जो है वो ब्लेस कर रहा है और ये हमारे खानदानों के अंदर होना चाहिए कि जो नरकत टैलेंट खुदा उन ने हमें दिया है हम उसको जनरेशन टू जनरेशन जो है वो शिफ्ट करने वाले हों ताकि उस बात में हम जो है वो खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें जो जबरनबीस भी कहता है हर नसल जो है वह आने वाली भी नसल जो है वह तेरे नाम की वडेई करेगी और तेरे नाम को जलाल देगी हमें इस तौर से अपने खानदानों को जो है वह लेकर चलना है ताकि खुदा उनकी बरकत हमारी जिंदगी के जो है होती रहे so, नाज्रीन अभी हम बातचीत करेंगे हमारे साथ खुदा उनके खादम मौजूद हैं पास्टर हैरी गिल साहब सोपाई so, साहब हम चाहते हैं कि आप अपने तालुक से अपनी ख़िदमत के तल्ल से और जो भी बात पाखरू ने आपके दिल में रखी है जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे शेयर करें थैंक यू वेरी मच जी खुदा आपको बड़ी बरक़त है सबसे पहले मैं ख़ुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये वक्त ये लमे ये घड़ी ताकि ताकि हम खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर आ सके सारा जलाल ख़ुदा के नाम को है मेरा नाम पास्टर हैरी गिल है द रियल लाइफ चर्च मिनिस्ट्री का मैं चेयरमैन हूँ सो खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाल्टर रोड मालकोनी के अंदर मेरा चर्च है और आज हम अपने पास्टर फेलोशिप के चेयरमैन पास्टर सैमल बर्कर साहब के साथ इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं और मैं दिल की अथाह ग्राहियों से इन सारे प्रोग्राम के लिए सारी टीम के लिए और तमाम देखने वाले बहन भाइयों के लिए सलामती की दुआ चाहता हूँ शुक्र के साथ मैं बात करता हूँ और फ़्र खुदा यह सुन सनासरी पर है कि मेरे ख़ानदान के अंदर कोई पादरी नहीं था कोई खदमत भी नहीं था और मैं इस बात के खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया गो ये बात सच है कि मेरे दादाजी मेरे वालद और मेरी वालदा वो तीनों दुआ गो थे लेकिन अगर हम खिदमत के तलक से देखें एक पासबान की खिदमत या किसी भी खदमत को जो खुदा ने दी है हमारे पूरे खानदान के अंदर कोई इस कैटेगरी के अंदर नहीं था मैं जब सोचता हूँ तो मैं तो कहता हूँ कि ख़ुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उठा खड़ा किया और तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरी अंजील को फैलाने का सबब बन सकूँ बहुत सारी रूहों को तेरे कदमों में लाने का सबब बन सकूँ क्योंकि यही हमारा काम है कि हमने खुदाम के नाम से लोगों को खुदाम के कदमों में लेकर आना है और मैं समझता हूँ भाई साहब के सबर और इंतज़ार और दुआ ये तीनों अल्फाज का बड़ा खूबसूरत तल्लक आपस में है और अगर ये तीनों अम्ल हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो बरकत हमारे साथ होती है बरकत हम पर होती है क्योंकि खुदा का कलाम हमें खूबसूरत तरीके से बयान करता है जब हम पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोग खुदा के सूरमा जिन्होंने इन सारी बातों पर अमल किया दुआ की सब्र किया इंतज़ार किया तो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को जहूर में लेकर आया हम खुदा के कलाम पर जब गौर करते हैं तो देखते हैं कि मूसा दुआ करता था खुदा बड़े बड़े काम करता था हन्ना ने दुआ की खुदा ने उसकी ज़िंदगी में कमाल काम कर दिया और अगर हम देखते हैं बाइबल मुक़दस कहती है कि ज़मीन आसमान तो टल जाएंगे लेकिन खुदा के मुँह की बातें हरगिज़ ना टल लेकिन अगर हम दुआ के तलक से बात करें तो खुदा अपने इरादों को बदल देता है जब हिस्सिया बादशाह को पैगाम दिया जाता है कि अपने घर का बंदोबस्त कर ले तो ख़ुदा के कलाम में लिखा है कि वो दीवार की तरफ अपना मुख करके खुदाम के आगे ग्रह करता है और दुआ करता है और आसमान का खुदा अपने इरादे को चेंज करता है और उसे पैगाम आता है इसके तलक से यही बात मैं कहना चाहता हूँ तमाम देखने वालों को और तमाम उन लोगों को जो मसीु पर ईमान रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर दुआ को प्योरिटी दें दुआ में मजबूत हो जाए क्योंकि दुआ का रंग नहीं लेकिन ये रंग लेकर आती है दुआ के वसीला से बंधन जुए बैरियर टूट जाते हैं और खुदा के सुरमा उसके नबी पकम्बर रसूल दुआएं करते थे और खुदा अपने आसमान को खोलता था और इन सब से बढ़कर कहीं ज़्यादा हमारे सामने हमारा नजात दिंदा खुदा युम सिनासी है जो हमारे लिए एक खूबसूरत रोल मॉडल है और उसके उसने सरसरा दुआ की और जब वो दुआ करते थे तो खुदा उनके साथ था और खुदा से वह मन्नत करते और हम देखते हैं जब गदमी बाग के अंदर उन्होंने दुआ की और और फिर भी वो यही कहते हैं आप हो सके तो ये प्याला टले लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो तो जीजो आज हमें भी हमें भी दुआ के अंदर मजबूत होना है और दुआ के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ना है कि दुआ जब हम करें तो हमारी दुआएँ बहूर की मानल आसमान पर पहुँचे और ताकि खुदाउन उन्हें सुने और कबूल करे जो दुआ दिल से की जाती है सच्चाई से की जाती है ईमानदारी से की जाती है हलीमी और आज से की जाती है वो दुआएं रुकती नहीं बल्कि वो दुआएं असर दिखाती है और हमें दुआ में बढ़ने की ज़रूरत है हमें अपने लिए अपने ख़ानदान के लिए अपनी क्लिसिया के लिए अपने पासवानों के लिए मसीही कौम के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए उसकी हदों और सरहदों के लिए हमें दुआ करना चाहिए क्योंकि यही हमारे पास एक ऐसा खूबसूरत अमल है कि जो हमें बरकतों का वारस बनाता है जो कामयाबी से हम करार करता है लेकिन बाज पश्चाब ऐसा होता है कि हम दुआ करते हैं और उस दुआ के अंदर हम इंतज़ार नहीं करते जब हम दुआ करने के बाद इंतज़ार करते हैं क्योंकि कलाम पूरा होता है लेकिन कि हर काम का एक वक्त है और जब दुआ करने के बाद हम उस वक्त का इंतज़ार करते हैं तो फिर वक्त पर खुदा में सरफराज करता है क्योंकि लिखा है कि ना मशक से ना मगरब से ना जनूब से ना शमाल से बल्कि सरफराजी रबुल अल्फाज से होती है तो ज़रूरी ये है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए सब्र के साथ इंतज़ार करें उस सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें खुदा की बातों को सुनना है और उसके फ़ैसले का उसकी मंशा को मानना है जब हम अपनी मर्ज़ी को चाहते हैं तो फिर हमारी दुआएँ भी रुक जाती हैं हम समझते हैं कि हम दुआ करें फ़ौर ये हो जाए नो हमें खुदान के कलाम में हमें खूबसूरत बात नज़र आती है जीसस ने दुआ की उसने कहा अब बाप हो सके तो तेरी तो हमें भी अपनी दुआ के अंदर यही कहना चाहिए कि अगर ख़ुद तेरी मर्जी है तो ये बात हो अगर नहीं तो फिर भी हम इस बात को खुशी से कबूल करते हैं और भाई मैं शुक्र के साथ इस बात को करता हूँ शेयर करता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिस बात के लिए भी दुआ की है खुदा ने से पूरा किया है और और मैं मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जब दुआ करने के बाद उस मकसद को जब मैं खुदा उनके आगे रखता हूँ तो फिर मैं इंतज़ार करता हूँ और जब इंतज़ार करता हूँ तो जब इंतज़ार तो के बाद वो अमल मेरी ज़िंदगी में आता है तो फिर खुदा मुझे ये बात मुझ पर ज़ाहिर करता है कि तूने दुआ की अब ये वक्त था मैंने इसे पूरा कर दिया है मैं खुदा उनका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ एक बड़ी खूबसूरत पैसा गवाही मेरे चर्च के अंदर आई है और मैं खुदा उनका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ मेरा एक कज़न जो मेरे चचाजात भाई थे तो वो मेरे पास आए और मुझे कहते कि मैं चर्च में बैठा हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते आए और कहते हैं भाई मैं बड़े ईमान के साथ आपके पास आया हूँ तो आपने एक काम करना मैं कि जी बोले बेटा आप बताएँ उसने एक फ़ाइल मेरे सामने रखी सर और एक फाइल रखी और उसने कहा भाई साहब आप इस पर दुआ करें और दुआ करें कि खुदावन फजल करे एक बड़ा मुआवजा है मैंने कहा जी बेटा में दुआ करता हूँ और मैं खुदाऊँ के नाम को जाल देता हूँ ये परसों से मेरे पास खबर आई है और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है मैंने भाई साहब उस फाइल पर हाथ रखा और दुआ की और मैंने कहा एक बात याद रखना कि इंसान कुछ नहीं कर सकता सब कुछ खुदा करता है ठीक है और ये खुदा के नाम को जला है और भाई साहब वो मुझे नहीं पता था उसने मेरे साथ शेयर की और मैं दुआ करके मैं इस बात को मैंने कहा ठीक हो गया परसों मुझे कॉल आई सर उसने कहा कि सर भाई साहब जिस पर आपने दुआ की थी वो फाइल इस्लामाबाद के अंदर एक प्लॉट की फ़ाइल थी और 1100 सौ लॉटरी के अंदर मेरी लॉटरी निकली है और एक करोड़ का प्लॉट मुझे मिल गया थी अलिया ये जलाल ख़ुदाम के नाम को है और मैं मैंने उसे यही कहा कि बेटा ये दुआएं जो हैं ये रंग लेकर आती हैं दुआएं असर दिखाती हैं दुआएं कामयाब करती हैं दुआएं बरकत का वारस बनाती हैं और दुआओं के वसीला से ही हम खुदा उनके कदमों में आ जाते हैं मेरी दरख्वास्त है तमाम अजीज़ बहन भाइयों से और देखने वालों से कि अपनी ज़िंदगी के अंदर दुआ का एक शेडूल बनाएँ दुआ में मजबूत हो जाएँ अगर हम दानियल की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो खूबसूरत आयत है कि उसकी कोठरी का दरवाज़ा यर्शुन की तरफ खुलता था वह हंसब ममूल दिन में तीन बार दुआ करता था जब हम दुआ करेंगे तो खुदा हम पर अपने आसमान को खोलेगा और आसमान खोल कर हम पर बरकतों बसाएगा और हमें कर्ज़ और मर्ज़ की लं से आज़ाद करेगा और हमारे घराने बरकत होंगे ताकि जलाल ख़ुदा के नाम को मिले थैंक यू वेरी मच जी आमीन द लॉर्ड बहुत शुक्रिया पास्टर हैरी और बड़ी खूबसूरत बातें और टेस्ट आपने हमारे व्यूअर्स के साथ जो है वो शेयर किया यकीनन आप लोगों ने सुनकर बरकत को हासिल किया कि खुदा किस तरह से हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है जब हम मिलकर उसकी हज़ूरी में दुआ करते हैं और ख़ुदा उनके खादम आपके सामने इसी बात को रख रहे थे कि हमें दुआ करनी है और उस दुआ का इंतज़ार करना है खुदा वक्त के ऊपर उस दुआ का जवाब आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लेकर आएगा और फिर जब रिजल्ट आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे तो आप उस फज़ल को बरकत को तजर्बे से अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे और ख़ुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देंगे नाजरीन अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं ख़ुदा उनके ज़िंदा कलाम में से और हमारे साथ आज खुदा उनके खादम मौजूद हैं पास्ट शाहरुन साहब सो भाई so, साहब हम चाहते हैं उनके साथ शेयर करें थैंक यू पादी साहब आप सब जानते हैं कि मेरा नाम पादरी शाहरुण पाकिस्तान से मेरा तल्ल है और मैं शुक्र गुजार हूँ कि खुदा अपने लोगों को अपने जलाल और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है 2014 में जब मैंने ग्रेजुएशन की तो बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि आप ग्रेजुएशन करके खदमत के लिए जा रहे हैं आप और काम भी कर सकते हैं मैंने कहा कि हम खुदांद से बरकतें तो अच्छी अच्छी मांगते हैं और जब खुदांद को कुछ देने का वक्त आता है और तब हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं जो नकमी चीज़ है जिस जिसका कोई फ़ायदा नहीं है वो हम खुदा को दें और हमें खुदांद के साथ चलने के लिए अपना आप खुदांद को देना है और ये बात खुदांद के कलाम की है कि जब हम खुदांद के लिए कुछ करना चाहें तो खुदांद का कलाम कहता है कि तो अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी ताकत से खुदांद अपने खुदा के साथ मोहब्बत रख और जब मैं गुजरन वाला थलॉजिकल सेमनरी में गया तो मैं वहाँ गया तो वहाँ भी लोगों से जब मेरी अट्रैक्शन हुई तो लोगों ने यही सवाल किया लेकिन मैं उनको यही चाहता था बताना क्योंकि आज भी कली में हम लोगों के घरों में जब इबादत के लिए जाते हैं तो उनके घरों में जो सबसे शरारती बच्चा हो उनको कहते हैं पादी साहब ऐसी तो देता है नु खिदमत खिदमतली इस्तेमाल करो भाई आप अच्छी चीज़ें और जगहों के लिए आपने रखी हैं आपके बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा और जब मार्क्स कम आ जाएं तो आप कहें खुदा की खिदमत के लिए हम इन्हें दे, दे देंगे आप ये कहें कि खुदा ये सारी बरकतें तेरी हैं और तू अपने कलाम के लिए अपने जलाल के लिए अपने लोगों को चुनता है और याद रखिए जब खुदा चुनता है तो वो कमियों कमज़ोरियों को दूर करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और 2020 में 15 मार्च को जब मैं ट्रेनिंग करके आया और अब मैं लाहार्ड डाइसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान का पादरी हूँ और आज कलाम मुक़दस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अहद यतीक में से पुराने अहदामा में से जब हम यर्मिया नबी के सहीफ़े को देखते हैं तो उसका सतरवाँ बाप और उसकी पांचवी आयत से हम इसे आठवीं आयत तक देखेंगे दो आयत जो है वो पांचवी से छठी और सातवीं से आठवीं आयत इनका कंपैरिजन है आपस में हम जब देखते हैं पांचवी आयत को तो लिखा है कि खुदाउन यू फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तोकल करता और बशर को अपना बाजू जानता है क्योंकि वो रत्मा की मानद होगा और वो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा बल्कि बियाबान की बे आब जगहों और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा लेकिन आज जो हमारी जो दूसरी आयात हैं सातवीं और आठवीं आयत इसमें बरकत है क्या लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदाम पर तोल करता और उसकी जिसकी उम्मीद का खुदामद है क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाएगा और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाएगा और जब गर्मी आए तो उसे कुछ ख़तरा ना होगा बल्कि उसके पत्ते हरे और खुश साली का उसे खौफ ना होगा और फल लाने से बाज ना रहेगा ये चार आयात हैं जब हम बाइबल मुक़दस की तारीख पर बात करते हैं तो पुराना अहद दो अम्बिया कराम पर मुश्तम है एक का हिस्सा अम्बिया अकबर और एक का अम्बिया असगर है हमारे जहन में ये ख्याल आएगा कि ये कैटेगरी कैसे बन गई ये कैटेगरी ये नहीं कि किसी नबी को हम छोटा कर रहे हैं और किसी को भरा कर रहे हैं बल्कि उनका नबूती अदवार जो था वो उनका टाइम पीरियड छोटा था जिस तरह अम्बिया असगर की बात करें तो हमें युना का किरदार मिलता है होसिया नबी की किताब मिलती है हजी की किताब मिलती है आमूस की किताब मिलती है जिस तरह युना की किताब में युना की मुनादी सिर्फ एक लाइन की थी कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा होसिया के किरदार को देखे तो होशिया की ज़िंदगी सिर्फ एक ही चीज़ के आगे दौड़ती फिरती नज़र आती है कि वो सिर्फ़ एक बेवफा औरत के साथ शादी करता है और ख़ुदा उसे दिखाना चाहता है कि जिस तरह तू इससे तंग है मेरी कौम भी मेरी दुल्हन है वो जब वो मुझसे बेवफाई करती हैं तो मुझे भी उतनी ही तकलीफ होती ये अम्बिया असगर हैं लेकिन जब हम अम्बिया अकबर की बात करते हैं तो इनका आगाज़ यसाया नबी यर्म्या नबी हसक नबी डैन नबी की किताबें है जो हैं वो हमें अम्बिया अकबर में मिलती हैं क्योंकि इनका नबूत का अदवार ज़्यादा था इनका टाइम पीरियड ज़्यादा था और आज जो मुकदस यरमिया की किताब को हम देखते हैं तो ये कुल बावन अबाव पर मुश्तमिल है और इसका आगाज़ जो है ये इसको जब लिखा गया तो ये छठी और सातवीं सदी के दरमिया हिस्सा में ये लिखी गई और ये इसने मुनादी की कि लोग बुत परस्ती से बाज़ आ जाए गैर महबूदों की इबादत करना छोड़ दें नहीं तो खुदा अपने लोगों की अदालत करेगा और ख़ुदा ने अदालत की और नबी के कहने पर वहाँ जो है वो इनकलाब बरपा हुआ नबूक नज़र ने आकर यरूशलेम को तबाह किया हैकल को तबाह किया और लोगों को असीर करके बाबल में ले गया और फिर नबी ने कहा कि खुदा को फिर आबाद करेगा और नबी के कहे के मुताबिक यरूशलेम फिर आबाद हुआ लेकिन आज जो हमने वर्त पढ़ा है सतरवें बाप में ये असल में है चार आयात पहली दो आयात पांचवी और छठी और मकसद के साथ हैं और जो सातवीं और आठवीं हैं ये और बातें हमें बयान करती हैं जब हम देखते हैं पांचवी आयत को तो लिखा है यू फरमाता है कि मौलाउन है वो शख्स वो आदमी जो इंसान पर तोकल करता और बशर को अपना बाजू जानता है हमारे दरमियान जब हम मलाउन लफ्ज़ को देखते हैं तो मुख्तलिफ़ डनस मुख्तु लोग को जब हम देखते हैं इसका लफ्ज़ का मतलब देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि मलान के लफ्ज़ी मानी है लानती यानी वो शख्स लानती है जो खुदा की बजाय इंसान पर तोकल करता है और आज भी दुनिया में हमने लोगों से ये फिक्र सुने कि मैंने फ़लाने शख्स को ये काम कहा है वो मेरा काम जरूर करेगा लेकिन मैं उन सब लोगों को जो लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं मैं उनको यह बताना चाहता हूं कभी इतने भरोसे के साथ रब को कह कर देखे कि मैंने अपने रब को कहा है मेरा रब मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा असल में हम इंसानों पर ज्यादा भरोसा रखते हैं एज कंपेयर टू हम अपने खुदाउन पर भरोसा रखें जब खुदा पर भरोसा नहीं रखते इंसानों पर त्वकल करते हैं तो ऐसा त्वकल हमें तारीख और बाइबल मुक़दस की दुनिया में भी नज़र आता है हमें तारीख के औरक उठा कर देखें तो 27 दिसंबर दो हज़ार सात को बेनजीर भुट्टो इंसानों पर भरोसा रख के अपने आप को उनके साथ गई और देखते हैं हम कि उनके मुआवजों के होते हुए भी उनको मौत का सामना करना पड़ा सुलेमान तासीर जो पंजाब का गवर्नर था उसका भरोसा इंसानों पर था और उसके अपने ही ने उसे मार दिया और ये बात मेरी नहीं है ये कलाम मुकदस की बात है जबूर जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है अगर खुदाउंद ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है यहां लिखा है कि इंसान पर, पर जब तोकल किया जाता है बशर को अपना बाजू अपनी ताकत समझा जाता है तो खुदाउंद से इंसान का दिल जो है वो बरगश्ता हो जाता है वो फिर जाता है वो सिर्फ इंसानों की तरफ देखता है और याद रखिए जब आपके हाथ आपका माथा आपके घुटने अगर खुदाम के आगे झुक जाएंगे तो फिर वो घुटने नहीं देता ये कलाम की बात है लेकिन वहां एक और शख्स था जो उनका रूहानी देवता था बादशाह था मजहबी तौर पर वो बड़े जाहो जलाल के साथ जिसको आप सब जानते हैं उसका नाम फेराउन था उसका भरोसा अपने लश्कर अपनी फौज पर था, लेकिन मुसा के पास कोई फौज नहीं थी मूसा के पास कोई लश्कर नहीं था मूसा के पास खुदाम की कुदरत थी और हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि मुकदस मूसा लोगों को लेकर जा रहा था आगे समुंदर है जमीन वही है पानी वही है लेकिन जब खुदा का फजल उस पर था तो वो अपने लोगों को लेकर चला गया लेकिन जिनका इंसानों पर भरोसा था वो उसी समुंदर में गिरकर कर हलाक हो गए और जबूर एक सौ छत्तीस के आखिरी मिसरे में हम गाकर कहते कहते फौज सने फराउन रोड़े रहमतो दी है सदा और जब इंसानों पर भरोसा किया जाता है तो फिर हमें बरकतें नहीं बल्कि नाकामियों का सामना करना पड़ता है जब हम देखते हैं छठी आयत को तो वहाँ लिखा है रतमा की मानित होगा रतमा रेगिस्तानी इलाके में एक जड़ी बूटी है जिस पर कभी हरियाली नहीं आती वो सूखी होती है और सूखी सूख कर खत्म हो जाती है उस पर भले दिन नहीं आते ये क्यों नहीं आते क्योंकि जो लोग खुदा पर भरोसा करने की बजाय इंसानों पर करते हैं तो उनके ऊपर भले दिन नहीं आ सकते क्योंकि उनकी उम्मीद जिंदा खुदा नहीं बल्कि इंसान है बिल्कुल इसी तरह जब हम सातवीं और आठवीं आयत को देखते हैं और इसके इसका कंपैरिजन खुदा का कलाम हमें बताता है पहली बात बात शुरू होने से पहले ही आयत कहती है कि तू मुबारक है जो खुदा पर तोकल रखता है खुदा पर तोकल रखने वाले तारीख में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुदा पर भरोसा रखा और खुदा ने उन्हें बरकतें दी और लिखा है कि जो खुदा पर तोकल रखते हैं वो उस दरख्त की मान दोगे जो कहाँ लगाया जाएगा पानी के पास लगाया जाएगा दरख्त दूर हो तो मालिक को कहा जाता है जाके पानी दे लेकिन जो खुदा पर भरोसा रखते हैं खुदा उनके लिए कहीं ना कहीं से रास्ते बना देता है और जबूर नंबर दो जब हम पढ़ते हैं पहला ज़बूर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ मिलता है कि हाल औदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी थे। फल अपने वेले देवेगा ना पत्थर सुकनगे ये जबूर हम गा कर भी कहते हैं क्योंकि ये जबूर की बातें हैं और खुदा का कलाम कहता है कि जो खुदावन पर भरोसा रखते हैं वो पानी के पास है उनके लिए बरकतों के दरवाजे कहीं ना कहीं से खुलेंगे उन्हें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं और उनकी जड़ें फैलाई जाएंगी और गर्मी आए तो उनको कुछ खतरना खतरा नहीं होगा क्योंकि इंसाल की किताब में लिखा है कि सादिक जो है वो सरसब्जो शादाब है वो हरे भरे रहते हैं इन दिनों में जिस तरह पिछले साल कोरोना के वायरस की वजुहत की वजह से हम मुश्किलें बर्दाश्त करते रहे फिर हमने डेंगी के दिनों में देखा कि आज डेंगी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं लोग कह रहे हैं हमारे अंदर बेरोजगारी है ये बेरोजगारी और जगह पर भी है लेकिन जब आप खुदा पर भरोसा रखेंगे तो डेंगू हो पतझड़ हो मुश्किल हो परेशानी हो खुदा आपके चूल्हों को मदम होने नहीं देगा क्योंकि भरोसा खुदा पर रखना बड़ा जरूर है और लिखा है पत्ते हरे रहेंगे खुश्क साली उनका कुछ उनको खौफ नहीं और फल लाने से भी बाज नहीं रहेगा इसलिए आप अपने आप को इस तरह का समझें कि हमने खुदावन पर भरोसा रखना है आप अपने घर के सरबरा हैं आप दरख्त हैं आपकी डालियां आपके बच्चे हैं और फल लाने से आप बाज तब नहीं आएंगे जब आपका भरोसा खुदावन पर होगा और मुकदस शर्मिया इन चारों आयात से हमें यह सिखाता है इंसान पर भरोसा रखा तो हम बियाबान में एक ऐसी जड़ी बूटी बन जाएंगे जिस पर हरियाली नहीं आएगी लेकिन अगर खुदा पर भरोसा रखा तो हम वो दरख्त बनेंगे जिसकी डालियां फल लाने से बाज नहीं आएगी चाहे मौसम कोई भी हो आपके पत्ते हरे रहेंगे बीमारियां कोई भी हो खौफ व खतर जैसा भी हो कोरोना हो डेंगू हो जो कुछ मर्जी हो जाए खुदा आपके चूल्हे को कभी भी बंद होने नहीं देगा इसलिए आज खुदावन का कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदा पर भरोसा रखें उस पर उम्मीद रखें ताकि खुदा आपकी जिंदगी को आपके बच्चों को बरकत दे और जो बरकत वो देता है उसे कोई इंसान वापस नहीं ले सकता खुदा मुदाप आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्ट शरून और बड़ी खूबसूरत बातें कलाम के जरिए से आपने हमारे नाजन तक जो हैं वो है वो पहुँचाई हैं यकीन नाजन आपने इस कलाम को सुना है और बरकत को हासिल किया है और ये कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर यकन जो है वो बरकत को जो है वो लेकर आएगा क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी जो है वो रायगा नहीं जाता बल्कि वो अपनी तसीर को अपने असर को हमारी ज़िंदगी के अंदर छोड़ता है जो हमें बरकत की तरफ जो है वो लेकर जाती हैं और ख़ुदा उनका नाम हमारी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वह पाता है नाजरन अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने वाट्सएप के जरिए मैसेजेस के जरिए हम तक पहुंचाई हैं अपने आप को खुदा उनकी हजूरी में रखें हम सभी खादमी मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनके सामने झुक जाए ताकि हम खुदा उनके फजल को आपकी ज़िंदगी के ऊपर चाहें ऐसा जलाली आसमानी बाप देख इस वक्त जितने भी खुदा तेरे प्यारे इस हमें फ़जल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं खुदा खुदा तो उनकी हालत को जानता है तो उनकी ज़रूरियात को जानता है तो उनकी कंडीशंस को जानता है खुदा उन। और वो बड़े ईमान के साथ खुदा उन। खुदा तेरे सामने झुके हुए हैं खुदा उन। खुदा हम सभी खादम मिल कर तेरी हजूरी में शफ़ायत करते हैं खुदांद कि तेरा आसमान तेरे प्यारों के लिए खुल जाए इनकी ज़रूरतों को पूरा कर खुदा उन खुदा जो जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं खुदा उन। खुदा जो ये चाहते हैं खुदा उन। खुदा इनके ईमान के वसीला से खुदांद अपने फजल को इनकी ज़िंदगी के अंदर जारी कर खुदा खुदा हर तरह की वबा को बीमारी को परेशानी को तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदा उन खुदा इनकी ज़िंदगियों में से इनके बदनों में से इनके घरानों में से इनके मामलत में से यस्सु नासरी के नाम से जाती रहें खुदा उन खुदा और तेरे फजल को तेरी बरकत को इनकी जिंदगी में चाहते हैं खुदा अगर कोई अपने अजदवाज के अंदर परेशान है खुदा उन खुदा खुदा उन खुदा हम उससे तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदा उन खुदा जिन्हें तूने जोड़ा इंसान कभी भी उन्हें जुदा ना करने पाए खुदा उन खुदा और तूने इन्हें बर बरकत दिया खुदाउन तूने कहा फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो खुदाउन खुदा हम इनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदाउन इन्हें फलदार बना खुदाउन खुदा इन्हें अपने फजल के अंदर ले खुदाउन खुदा हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को हर तरह के झगड़े को हम तेरे यसु नासरी नाम से खुदाउन खुदा काटते हैं खुदाउन खुदा इन जोड़ों की जिंदगियों में से जाती रहे खुदाउन खुदा और तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो खुदा खुदा इसी तरह खुदा खुदा अगर कोई खुदा खुदा फैनानशली प्रॉब्लम के अंदर है तो खुदांद तेरा आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है खुदांद खुदा हम सुपर नेचुरल रिसोस को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदांद खुदा तेरी इलाही रसद इन तक पहुँचे खुदांद खुदा इनके लिए वसायल मुहैया कर खुदांद खुदा बिजनेस के ऊपर बरकत दें खुदांद खुदा ताकि तेरे लोग तेरी शक्र गुज़ारी करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें खुदा इन्हें छू और ब्लैस कर और बरकत को जारी

ताकि खुदा तेरा यसु नाम इस मुल्क के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुशखबरी इस मुल्क के अंदर फैलती चली जाए खुदांद खुदा नजात का काम होता चला जाए खुदांद खुदा इसी तरह खुदा खुदा हम खुदा खुदा अला हकूमतों के लिए खुदांद खुदा अदालतों के लिए खुदा खुदा पाक अफवाज के लिए खुदा खुदा इंटेलिजेंस अदारों के लिए खुदांद खुदा जो इस मुल्क के अंदर हैं खुदा उनके लिए तेरी बरकत और तेरी सलामती को चाहते हैं खुदा खुदा उन्हें छू और ब्लेस कर खुदा उन खुदा इसी तरह खुदादा तेरे खादम इमरान फजल के लिए सिस्टर महविश इमरान के लिए उनकी फैमिली के लिए सारी खिदमत के, खुदा खुदा, खुदा खुदा. के, के, के लिए खुदा उन, हम तेरी बरकत को चाहते हैं इस चैनल के वसीला से खुदा उन, तेरी खुशखबरी ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया के कोने तक खुदा खुदा पहुंचे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तो मुबारक कहते हैं बेटे अपने के वसीला से। आमें। आमें। अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा पास्टर शाहरुण साहब आपका नहीं। शुक्रिया नहीं। नहीं। आप इस प्रोग्राम के अंदर आए पास्टर सैम बरकत आपका भी शुक्रिया और इसी तरह पास गिल साहब आपका भी शुक्रिया गिल साहब आपका भी शुक्रिया क्या आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरन को जो है वो बरकत बख्शी है नाजरन आप भी अपना ख्याल रखिएगा हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ नए मेहमानों के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद